आज हम बात कर रहे हैं कि गिनी फाउल के मेल और फीमेल में क्या डिफरेंसेस है, यानी कि आप कैसे गिनी फाउल के नर और मादा को पहचान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी फार्म में आपका स्वागत है। आपको गिनी फाउल से जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक जानकारियां आज हम इस वीडियो में आपको देंगे और साथ में ही बताएंगे कि इसमें मेल और फीमेल में क्या डिफरेंसेस है। और इसी कारण से आप पीछे देख सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल को हमने पकड़ रखा है ताकि आपको वीडियो के माध्यम से हम बता सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में ही पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। इससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और साथ में ही हमारा भी मोटिवेशन बना हुआ रहेगा। और अगर आपके कुछ डाउट्स हो गिनी फाउल से लेकर के, तब भी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो दोस्तों, नॉर्मली जो चिकन्स में होते हैं मेल और फीमेल, मुर्गा और मुर्गी, आसानी से पहचाने जा सकते हैं। बट वहीं पे आपको गिनी फाउल में ये पहचानना थोड़ी दिक्कत भरी होती है। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट्स का काम है, जो गिनी फाउल से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं और एक्सपर्ट है इसके, उसे पहचानने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट वहीं पे एक आम आदमी को पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और आज मैं जो मेथड आपको बताऊंगा उसमें भी 90% ही ये कारगर होती है, क्योंकि कई बार इनमें कुछ मेजर प्रॉब्लम्स के कारण आपका जो अनुमान है वो गलत भी हो सकता है। तो मैंने पीछे दो मेल और फीमेल को पकड़ रखा है, उसे मैं आपको बारी बारी से दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या डिफरेंस है। और इसमें दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये अपने इनके जो नाखून होते हैं वो काफ़ी धारदार होते हैं। दो दिन पहले ही मेरे जांघ को इन्होंने चीर दिया है और साथ में ये चोंच भी बहुत जोरदार मारते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है। तो संभल के पकड़िए गिनी फाउल को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होती है। ये कुत्ते बिल्ली तक को मार भगाती है आपके फार्म से। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि हमने इसे पकड़ लिया है, और ये इसलिए मैंने इसके गर्दन को पकड़ा है कि ये बहुत ज्यादा जोर से चोंच भी मारती है। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली अगर आप एक आम फार्मर या एक आम आदमी से पूछते हो तो वो इनके चोंच में भी डिफरेंस बताते हैं, बट हम इतना समय से इससे जुड़े हुए हैं बट हमें इसके चोंच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखती है। इसके दो ही डिफरेंसेस है जो हमें दिखती है, वो ये है कि ये देखिए, इसकी जो सींग है, ये जो इसकी कलकी है, ये देखिए कितनी लंबी है। ठीक है, ये एक लंबाई वाली सींग है और ये मेल की खास पहचान है। बट कई बार मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें भी 90% ही सच्चाई हो सकती है, क्योंकि कई बार ये घिस जाने के कारण भी छोटी हो जाती है, तो या फिर मेल छोटा होने के कारण भी इसकी सींग छोटी होती है, तो आपको पहचानने में धोखा भी हो सकता है। दूसरा है, ये देखिए इसकी जो ये लाल वाली जो है ना, ये देखिए ये काफ़ी बड़ी है। देखिए, जो कि फीमेल की मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो वो उतनी बड़ी नहीं होती है। आप इसे सामने से भी देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी है। ठीक है, एक इसकी सींग और दूसरा इसकी कलकी, यही दो इसकी नॉर्मली पहचान है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मादा। और हाँ, नर से ज्यादा मादा ही चोंच मारती है, इसी ने मुझे चोंच मारा था। तो देखिए, आपको इसके चोंच में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगी। वहीं बात करें इसकी कलकी की, तो आप देखिए इसकी कलकी कितनी छोटी है। ठीक है ना, ये जो कलकी है सर पे, ये काफी छोटी है और ये फीमेल है। और इसकी ये जो लाल वाली जो है गर्दन से झुली हुई है, देखिए ये उससे काफी छोटी है। आप सामने से भी देख सकते हैं, जो मेल थी उससे देखिए काफी हद तक छोटी है। तो यही नॉर्मली दो मेजर डिफरेंसेस है। फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ, वरना कहीं मुझे चोंच ना मार दे। और अब बात करते हैं कि कई फार्मर्स ने हमें व्हाट्सएप और कमेंट के माध्यम से ये पूछा है कि सर, हमारे यहाँ के जो फीमेल्स हैं वो अंडे फिलहाल नहीं दे रही हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि नॉर्मली ये जो गिनी फाउल है, ये ठंड के सीजन में अंडे देना बंद कर देती है। लगभग 95% चांस होते हैं ये ठंड के सीजन में अंडे नहीं देती है, यानी कि अक्टूबर के लगभग शुरुआत से मार्च के अंत तक। ठीक है, इस बीच ये अंडे नहीं देती है, और कई बार 15 दिन आगे पीछे हो सकता है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, आपके वहाँ के वेदर के हिसाब से, तो ये इस वक्त अंडे नहीं देती है। और अगर बात करें, अगर दूसरे सीजन में अगर आपको अंडे नहीं मिल पा रही है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है फीड। तो अगर आपको पता नहीं है कि गिनी फाउल का फीड कैसा होता है या फिर इसकी फीड की जानकारी
के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मैं लगभग पिछले 2015 से इससे जुड़ा हुआ हूं और हमारे यहां पे फार्मिंग से रिलेटेड लगभग हर तरह की बैलेंस फीड मिलती है। तो अगर आप गिनी फाउल के चिक्स पाल रहे हैं या फिर अंडे के लिए पाल रहे हैं इसे, या तो आपको फीड की ज़रूरत है, तब भी आप यहाँ से इसकी चिक्स की चिक फीड ग्रोअर लेवल में, ग्रोअर फीड और लेयर वाली फीड भी आपको यहाँ से मिल सकती है। वहीं पे अगर आपने इसकी फार्मिंग कर रखी है और आपको इसे सेल करने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि इसके अंडे, इसके चिक्स या फिर इसके जो रेडी बर्ड्स है जो आपको पीछे दिख रहे हैं, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या तो हम खरीद लेंगे या फिर हमारे यहाँ पे कई फार्मर्स हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है, तो हम अकेले हैं, दे नहीं पाते हैं, तो आप हमें भी इसे दे सकते हैं या फिर हम आपको अपने नज़दीकी फार्मर्स की लोकेशन बता देंगे, आप उन्हें भी सेल कर सकते हैं। या फिर आप एक ऐसे फार्मर है जो 2-4, 10 पीस या फिर 50-100 पीस गिनी फाउल की फार्मिंग करना चाहते हैं, तब भी आप हमसे जुड़कर ये ले सकते हैं और अपने यहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और बात करें इसकी फीड की, तो कई लोग हमें इंडिया की कई कोनों से मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं कि सर हमें इसकी फीड चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ये जो फीड है, फिलहाल एपिक फीड है, आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी, ये एपिक फीड एक गवर्नमेंट का फीड है जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर आती है। और यहाँ पे आपको गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बत्तख, बटेर, गिनी फाउल, टर्की और भी जितने भी तरह के पशु पक्षी हैं उन सभी के लिए बैलेंस फीड मिलती है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि ये एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो इसकी क्वालिटी कैसी हो सकती है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बताने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि इसके दो ही मेजर चीज़ें हैं जिसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसकी मेल और फीमेल कौन सी है, एक इसकी सींग लंबी होगी और दूसरी इसकी ये जो रेड कलर की गर्दन में झूलती है ना, ये बड़ी होगी, वो मेल होती है, और जिनके ये छोटे छोटे होते हैं वो फीमेल होती है। बट ये 90% ही गारंटी है इसकी सच होने की, क्योंकि कई बार कुछ दिक्कत के कारण, घिसने के कारण या फिर मेल छोटा होने के कारण ये डिफरेंसेस पता नहीं चल पाती हैं। इसके साथ ही अगर आपको इसके चिक्स बेचने या खरीदने में दिक्कत हो रही है या फिर मिलने में दिक्कत हो रही है, तब भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ऑल इंडिया डिलीवरी के तौर पर आप इसकी फीड भी ले सकते हैं। यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं और आपको गिनी फाउल के लिए या फिर टर्की, बटेर, बत्तख, किसी भी तरह के फार्मिंग के बर्ड्स और एनिमल्स के लिए अगर आपको फीड चाहिए, जैसे कि बकरियों के लिए भी, तो हमारे यहाँ पर उत्तम क्वालिटी की बकरियों के लिए भी बैलेंस फीड मिलती है, तो आप उसके लिए भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बातें बहुत कर ली, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। फिर से क्लियर कर दूं कि अगर आपको गिनी फाउल से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, किसी तरह का हेल्प चाहिए, कोई परेशानी से जूझ रहे हैं आप, या फिर आपको गिनी फाउल से जुड़ी हुई किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे जुड़ के इसका समाधान ले सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। और इसी तरह के यूनिक वीडियोस के लिए या फिर फार्मिंग रिलेटेड वीडियो के लिए, जानकारी के लिए, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।